सो गाइस टाइम हो रहा है 8:57, तारीख है 14 और दिन है मंगलवार। आओ चाचू, अब जल्दी आओ व्लॉग बनाते। आ जाओ। शाबाश। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया और बिंदास तरीके से एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और गाइस, मैं आपको दिन, तारीख, डे सब कुछ बता चुका हूँ। चाचू महाराज आए हुए फिलहाल, अभी कर रहे थे मेरा वाला डांस, साथ साथ में अपनी साइकिल चला रहे थे। तो गाइस, मैं बिल्कुल तैयार हूँ एकदम बढ़िया तरीके से नहा धो करके। और गाइस, आज है 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन डे। तो आप सभी लोगों को वैलेंटाइन डे यानी कि जोड़ा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका जोड़ा है उनका जोड़ा सलामत रहे, बना रहे। और आज ही 14 फरवरी के दिन पुलवामा अटैक हुआ था। तो गाइस, उन सभी शहीदों को मेरा नमन, तो जिन्होंने अपनी उसमें जान गंवाई थी, शहीद हुए थे। सो गाइस, ये दिन ऐसा दिन था हमारे लिए जिसको हम ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं। और गाइस, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो वो तो फिर मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडिया ने। उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक भी करी इंडिया ने, मतलब इंडिया ने तो फिर उसके बाद तो बैंड बजा के रख दी। क्योंकि मोदी जी ने और अजीत डोभाल जी ने जो उस टाइम में प्लानिंग की थी, सब कुछ की थी, उसमें गाइस एक मूवी भी आई थी उरी, उसी बीच आई थी वो, तो बहुत बढ़िया मूवी है वो, उसमें पूरा बताया उसके बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक तो जाके देख लीजिएगा। वैसे मूवी बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट सब लोगों ने देख ली होगी, लेकिन जो जो लोग रह गए तो वो देखेगा, तो बहुत बढ़िया मूवी है। तो गाइस, फिलहाल मैं जा रहा हूँ पूजा पाठ करने के लिए, फिर नाश्ता वास्ता करते फिर निकलते अपने ऑफिस। आज खोलो दरवाज़ा। चलिए गाइस, मम्मी जी गई है वैसे पूजा पाठ करके, हम भी कर लेते हैं। मम्मी जी ने आज धूप वगैरह चढ़ाई है, कुछ स्पेशल है क्या आज? चलो चल के पूछते नीचे। गाइस, फाइनली हो गई हमारी पूजा पाठ समाप्त, अब चलते। अरे ये क्या कर रहा साइकिल के साथ है? चलो बैठो उसमें, अंदर छोड़ के आते इसको, ठीक है? ये इसको यही चाहिए बस, एक बंदा चाहिए जो उसको घुमाए ऐसे साइकिल में। चलो ये इसकी पार्किंग है, चलो चलो चलो, वेरी गुड। उठो 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 उठो, घूरी गया, चलो चलो। और गाइस, मौसम बड़ा मस्त हो रहा है एकदम बढ़िया वाला। चलो हम नीचे, चल तू ऊपर धूप सेक, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। चाचू, ओ चाचू, ये नीचे पहुँच गए जल्दी। हाँ। मैं इसको ऊपर ढूंढ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। आज दूध रोटी देने वाले थे, हो गया। चाचू देख, हम बहुत स्पेशल खाना खाने वाले हैं आज, बहुत दिनों बाद। सो भाई, इसमें हमारा आज स्पेशल लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट, और वो है हमारी दूध रोटी। स्कूल टाइम में बहुत खाई मैंने, बहुत टाइम से मुझे ने देना छोड़ भी दिया इसको, अब दोबारा शुरू कर दिया हमने। इसको भी खिला के देखता हूँ, देखता हूँ इसका रिएक्शन कैसा होता है। खाएगा सचो? कैसी हो रही, कैसी हो रही? का तो ऐसे कर रहे हैं, क्या बात है? अरे चाचू मजा आ गया, थैंक यू। हमारा काम करने वाला हो गया, बाय बाय, जाते बाय बाय चाचू। अरे शाबाश, चलो गेट बंद कर दो, बाय बाय। अरे भूल गया मैं, किसको देना है? चले जी, ये चार्जर है भाभी जी को देना है, यानी कि इससे पहले मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल महिला वाले, फिर जाना पड़ेगा अपने ऑफिस। स्कूटी की सर्विसिंग कराने के बाद स्कूटी बढ़िया हो गई यार, अब मस्त एकदम। सो लेट्स गो टू द ऑफिस। तो गाइस, मौसम की बात की जाए तो बढ़िया वाला मौसम हो रहा है, एकदम प्यारी प्यारी धूप निकली हुई है। और गाइस, कुछ दिनों बाद मेरा जो माइक है जो ख़राब हो गया था, JBL वाला 600 रुपये का, वो ठीक होके आने वाला है, तो बहुत खुशी हो रही है सुन करके। और गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि एक नया माइक और ले लूँ अपने लिए, तो देखते क्या होता है। और गाइस, बात की जाए पहाड़ों की, तो यार थोड़ा सा ना ठंडा बढ़ गया, अब बीच में तो मौसम बड़ा प्यारा प्यारा हो गया था धूप निकलने वाली, लेकिन अब सुबह सुबह के टाइम में ना थोड़ा कोहरा लगता है। सो चलिए गाइस, आप लीजिए सफर का आनंद, मिलते हैं आपसे कैंट में। भाई अचानक से ना मेरे स्कूटी के टायर में भट्टे सी आवाज आई पीछे, तो ऐसा लगा कि ये कहीं पंक्चर तो नहीं हो गया,
बहुत जोर की भट्टा आवाज आई, जी भी नहीं रहे तो नॉर्मल लग रहा मुझे तो। चलिए चलते, क्या पता आगे कहीं पंक्चर हो जाए, लेकिन आवाज़ बड़ी जोर की आई है भट्टे करके ना एकदम। तो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ पहले अभी भाभी जी के पास, उनको उनका चार्जर देना है, देन उसके बाद निकलूँगा अपने ऑफिस। चलिए गाइस, तो मैं आज यहाँ आया था भाभी जी के पास और हाथों हाथ काल सिद्ध मंदिर की भी दर्शन हो गए, आज मंगलवार भी है। सो मैं पहुँच गया हूँ महिला हॉस्पिटल, भाभी जी को फ़ोन करके बुलाते हैं और देते हैं उनको उनका चार्जर। तो चलिए गाइस दे दिए चार्जर, अब चलते हैं यहाँ से। तो चलिए गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ तिकोनिया, अब चलते हैं कैंट के अंदर। तो चलिए गाइस हो गई है आज की दिन की शुरुआत, यानी कि काम की शुरुआत। सो चलते हैं कैंट के अंदर और मे भी शायद आज मेरा हाफ डे होगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप बने रहे मेरे साथ में, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक टाटा बाय बाय टेक केयर। सो गाइस फाइनली निकल के आ गया हूँ कैंट से बाहर बहुत जल्दी से, तो चलते गाइस फटाफट से घर। और गाइस आज मैं लेके जा रहा हूँ इंडक्शन, पुराना वाला खराब हो गया ना आपको पता ही है, वो ठीक ही नहीं हो पाया डॉक्टर साहब से हमारे, इतने भी डॉक्टरों को दिखाया, सब ने बोला कि भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसकी हम जान बचा नहीं सकते, तो इसलिए फिर मुझे नया लेना पड़ा, तो नया ले लिया मैंने। तो चलते हैं अब घर और चेक करते हैं इसको। और गाइस फाइनली पहुंच गया हूं घर, अब लगाते हैं स्कूटी को बाहर से ही। चाचू हम आ गए, क्या कर रहे हो? व्लॉग देख रहे? शाबाश। अरे मेरा हनी, मेरा कुत्ते का बच्चा भी आ गया। चलिए जी मम्मी जी को देते हैं उनका इंडक्शन, बधाई हो। थैंक यू नए इंडक्शन की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। जय श्री राम, बोलो श्री गणेशाय नमः। ये चाहे कुछ रखना भी तो पड़ेगा इसके ऊपर। चल रहा, देखो ये पानी गर्म। बधाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज मम्मी जी आपके ना वो बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं आपकी, ठीक है। आज आपको पिलाते हैं कीवी वाला जूस, हरा हरा, पहली बार ही पी रहे भाई, मैंने ऐसा पहले कभी पिया भी नहीं है। हेलो पी के बताओ कैसा हो रहा? अच्छा हो रहा है, इसको बड़ा अच्छा टेस्ट हो रहा जी, गजब। देखा कि डर जी लग रहा है ना, एलो जूस, कीवी जूस, एलो का कीवी जूस। तो चले गए, चलते हैं ऊपर चेंज वेंज कर लेते हैं, और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है भाई। आओ चाचू आ जाओ, चलो 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 चलो, आराम से आराम से आराम से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और क्या करना सा? घाम तापना सा? आओ चाचू आओ। पर आकर के चेंज कर लिया फिलहाल गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर्दे वर्दे बिखरे हुए हैं, थोड़ा रूम की सफाई कर रहा हूँ मैं, मतलब जो पीछे वाले रूम है ना इसमें जो मैंने पर्दे लगाए हुए सारे तो निकाल दिए मैंने, थोड़ा ये रूम की सफाई करते हैं, और इसके भी पर्दे मैंने निकाल दिए, कूड़ा वूड़ा पड़ा है बस सारा, तो ये पर्दे पे निकाल दी मैंने आके, तो थोड़ा कमरा हमारा सेट करते हैं। चलिए गाइस फाइनली हो गई है रूम की साफ सफाई। गाइस मैंने पूरे चारों के चारों कमरों में झाड़ू किया, पोछा किया, बढ़िया करके चमका दिया है, और वहाँ के पर्दे वर्दे संभाल दिए मैंने बेड के अंदर अभी। तो मम्मी जी का मैसेज आया था कि चलो खाना खा लेते हैं, तो मम्मी जी ने बनाया राजमा चावल, तो चलते गाइस राजमा चावल एंजॉय करते हैं। गाइस काम करते करते मुझे गर्मी लगी, तो मैंने जैकेट निकाल ली, टी शर्ट डाल ली मैंने। बब्बे क्या कर रही है, ये क्या खा रही? लाली पाप। मुझे आज क्या मिला, ये पापा जी का फ़ोन है बहुत पुराना, लेकिन ये डेड पड़ गया है, इसका चार्ज नहीं हो रहा अभी है। और गाइस ये देखिए हमारे महाराज को क्या मस्त वाली नींद निकाल रहा है। चलिए गाइस फाइनली आ गया हमारा राजमा चावल, तो अपना राजमा चावल एंजॉय करते हैं। सो गाइस टाइम हो रहा है 4:13। सो गाइस खाना वाना खाने के बाद मैं ऊपर आ गया था, ऊपर आने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया मैंने। खैर रेस्ट तो मैंने क्या किया, ऐसी रील देखने में लगा था, एडिटिंग करने में लगा था अपनी। और गाइस मेरा आज कोई ब्लॉग नहीं आ पाया, तो उसको फटाफट से पहले ब्लॉग एडिट करते हैं अपना, उसको फिर अपलोड करते हैं जल्दी से। और गाइस मेरा जो हेडफोन था ना, मैंने जो ठीक करने के दिया था मीवी वालों को, वो आज आने वाला है, तो होप सो इस बार बढ़िया होकर क्या है, क्योंकि पिछली बार वाले में एक हेडफोन खराब था, दूसरी बार वाले में माइक खराब था, तीसरी बार वाले में क्या खराब होगा मुझे नहीं पता। खैर अभी मैंने फोन किया भाई साहब को, तो अभी आएंगे थोड़ी देर में देने के लिए, तो वेट कर रहा हूँ उनका, फिर निकलते थोड़ा घूम करके। फाइनली आ गए हमारे हेडफोन ठीक होकर के, इस बार कैसे आए हैं ठीक होकर के आए नहीं आए। थैंक यू भैया। चलिए जी क्या है भाई इसमें,
खड़खड़ बहुत हो रही है। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ढक्कन खुला हुआ है इसका, इस बार दूसरे भेज दिए लोगों ने। या चलिए इसको कनेक्ट करते हैं और फिर चेक करके देखते हैं कि ये ठीक हुए नहीं हुए। तो चलिए जाइए, चलते हैं बाहर तक, थोड़ा गेड़िया मार के आते हैं। दो दो स्कूटी खड़ी है देखो एक जैसी, क्या बात है। अरे यार मैं फिर अपना हेलमेट भूल गया। सो गाइस लेट्स गो टू डोइने। इसमें हमेशा यहाँ पर एक चीज नोटिस करता हूँ कि फिलहाल तो यहाँ पर अभी आस पास में घास वगैरह है, मतलब खेती बाड़ी लोग करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन यहाँ पर ना पूरे यहाँ से वहाँ तक घर बन जाएंगे तो ये एरिया बहुत बेकार हो जाएगा, पता है उसके बाद, मतलब फिर अलग ही तरह का रश हो जाएगा। फिर देखो खुले खुले खेत, ऐसी हरी भरी वादियाँ देखने को नहीं मिल पाएंगी फिर हमको, फिर बेकार हो जाएगा ये एरिया। एक्चुअली मैं भी जा रहा हूँ मामा जी के वहाँ, यानी कि पीली कोठी। सो मैंने कहा यहीं से शॉर्टकट ले लेते हैं। एक्चुअली मेरा एक फ़ोन है जो कौसानी में छूट गया था मौसी जी के वहाँ, तो वो उनने भिजवाया है, तो मैंने कहा उसको लेकर के आते हैं। और कहीं इसके बाद फिर मुझे जाना है एक शॉप में जहाँ पर ये फ्लेक्सी वगैरह बनती है ना, फ्लेक्सी बोर्ड वगैरह, वहाँ पे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारे घर के आगे से थोड़ा सा एक फ्लेक्सी में लिख दूँ मैं कॉन्टैक्ट फॉर ट्यूशन और उसके अलावा रूम फॉर रेंट करके ना, इस तरीके से कुछ। तो जाके बात करके आते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। और यहाँ कुछ फंक्शन हो रहा है, शायद फंक्शन हो रहा है या फिर कुछ रामायण वगैरह शायद कुछ हो रही है। सामने हमारे मामा जी का घर, चंद्रदीप भवन। ये रोड बड़ी सही कर दिया यार, पहले रोड बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। स्कूटी बाहर से लगाते हैं। सो चलिए गाइस, फाइनली हो गई है शाम। मैं मामा जी लोग के वहाँ से फ़ोन लेने के बाद थोड़ा घूम फिर के निकल रहा हूँ घर की तरफ। तो गाइस आज जो मेरी भाभी जी हैं उनके भाई का बर्थडे है, यानी ये कान्हा का। सो कान्हा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सो मैं और मम्मी जी तो नहीं जा रहे, भाभी जी और भैया जा रहे हैं और ग्रंथ भी जाएगा साथ में। सो फिलहाल के लिए भाई लाइट क्यों मार रहा भाई। सो भाई आज हमारा प्लान है मम्मी जी और मेला कि हमको बनानी है आज पनीर, तो मेरे को लेके जानी है भी दूध दही और पनीर। तो आज पनीर बनाते हैं बढ़िया वाली मटर पनीर। सो गाइस ये हमारी अरविंद डेयरी जहाँ से मुझे दही और पनीर लेना है। चले गए ले लिया दही और पनीर, अब चलते हैं। सो अब दूध लेते हैं गोपोदा की दुकान से। यह गोपोदा की दुकान और बड़ी भीड़ भाई यहाँ तो आज। चले गए दूध भी ले लिया है और चाचू के लिए लेस भी, अब चलते हैं घर। सो चले गए फाइनली पहुँच गए घर, लगाते हैं स्कूटी को अंदर। ओ चले जी मैंने बनाई है कॉफ़ी अपने और मम्मी जी के लिए। सो चलते हैं अपने रूम पे और कॉफ़ी पीते हैं। चले गए चेंज वेंज कर लिया है, फिलहाल कॉफ़ी पीते हैं और पूजा पाठ वगैरह करते हैं मुँह हाथ धोकर के, फिर करते हैं आपसे बातचीत। और मैं आज बनाने वाला हूँ गाइस मस्त वाली पनीर, तो बताते हैं आपको किस तरीके से पनीर बनाता हूँ और क्या है मेरी रेसिपी। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए गाइस फाइनली पहुँच गया किचन में और मैं बनाने जा रहा हूँ आज मटर पनीर, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो आज अपना नया नया इंडक्शन का करते हैं श्री गणेश, और कैसे चलता है इसका थोड़ा सिस्टम मुझे अलग लग रहा है। हाँ अब ठीक है। चलिए गाइस तो फाइनली हमारे जो मसाले हैं वो एकदम बढ़िया हो गए, भून चुके हैं। तो अब डालते हैं फाइनली इसमें पनीर। सो भाई बहुत हल्के हाथ से हिलाना पड़ेगा इसको, कहीं पनीर टूट टूट ना जाए ना, इस चीज़ का थोड़ा सा डर रहता है। इस थोड़े देर मैंने इसको रख दिया इसके अंदर। अब फाइनली इसमें डालते हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है क्रीम। बिना क्रीम के तो मज़ा आता नहीं गाइस, सच में बता रहा हूँ मैं। क्या दिख रहा है शानदार एकदम मस्त। पार्टी हमारी पार्टी। सो भाई बहुत सुंदर दिख रही है फिलहाल तो ये देखने में, अब खाने का नहीं पता, लेकिन आई गारंटीड हूँ कि देखने भी इतनी अच्छी है तो खाने भी अच्छी होगी। एक बार टेस्ट करके देखते हैं। मास्टर शेफ। सो मास्टर शेफ इंडिया में स्वागत है आपका। हमने बनाई है मास्टर जी आपके लिए पनीर। कैसी हो रही? बढ़िया हो रही, मस्त। चाचू आ गया, ये क्या देखो, हैप्पी बर्थडे तो बोलो मामा को फिर। हैप्पी बर्थडे मामा जी। ग्रंथ के मामा जी ना। चाचू क्या है ये? अव्वा अव्वा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मामा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ले हनी तू भी खा ले। चले गए तो फाइनली खाना वाना खा करके मैं ऊपर आ गया हूँ। और गाइज बहुत मजा आया आज के व्लॉग में। वैसे जनरली गाइज आजकल मेरे व्लॉग जो होते हैं ना वो 8-10 मिनट में खत्म हो जाते हैं। ये पहला ऐसा व्लॉग है जो 14-15 मिनट का बन गया मेरा, बहुत टाइम की बात, जनरली ऐसा होता नहीं है। और इसका रीजन ये था कि आज मैं हाफ डे लेकर के आ गया था अपने ऑफिस से, देन उसके बाद मुझे बहुत सारा टाइम मिला घर में मम्मी जी के साथ में और सब लोगों के साथ में। और गाइज आपने देखा मम्मी जी ने आज क्या जूस पीकर क्या रिएक्शन दिया है ना। और उसके बाद आज कान्हा का बर्थडे भी था तो हमने बर्थडे विश भी किया उसको। सो केक भी खा के मैं ऊपर आ गया। तो गाइज यही था मेरा आज का व्लॉग। सो उम्मीद करूंगा ये जो पूरा व्लॉग है आपको पसंद आएगा। तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे एक नए और बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे। कोई कहेगा हम काई पी रहे हैं। हरी हरी।